वाराणसी में अवनीश राणा के आवास पर 11 सितंबर की तिरंगा यात्रा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के ग्रामीणों ने अवनीश राणा मीडिया प्रभारी और ठाकुर पूरन सिंह को भरोसा दिलाया कि भारतीय किसान संगठन किसानों और मजदूरों की लड़ाई में वाराणसी के लोग आपके साथ हैं। जी, आपका नाम? विनोद पुंडीर, गांव वाराणसी, जिला मुजफ्फरनगर। जी, जो ये सहारनपुर से चल के यात्रा दिल्ली जाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम पहला आपको एक बात कहना चाह रहे हैं, हम लोग हैं किसान। जी, किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे अमरीश भाई वाराणसी वाले। जी जी, ये किसान संगठन से जुड़े हुए हैं जी, पूरन सिंह से। जी, और अमरीश भाई के साथ हम दिन रात दिलो जान से हर चीज़ से तैयार हैं। रही यात्रा की बात, यात्रा का तो ऐसा कर देंगे जो है, इस तरह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी है। जी, ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे और हम किसानों के हित की लड़ाई में इनके हर तरह से तन मन धन से तैयार हैं और पूरी तरह से इन्हें सहयोग करा जाएगा और दिल्ली किसान घाट तक वो यात्रा पहुँचेगी। शासन प्रशासन को ऐसा लगेगा हाँ भाई, यात्रा कुछ जारी है। दिल्ली जो ये यात्रा जाएगी, कौन कौन सी मांग को लेकर जा रही है? एक तो ये भुगतान जी, गन्ने का 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। 14 दिन में पक्का भुगतान हो जाएगा किसानों का? देखो जी, मांग तो यही करी जा रही। जी, और कौन कौन सी मांग है? एक मांग यह है कि चकबंदी चल रही है हमारे यहाँ जी, वो जो है बिल्कुल उससे होनी चाहिए पारदर्शिता से। जी, इसके अलावा और भी बहुत ही मांगे, और बहुत सारी मांगे ये हैं हमारी कि भाई किसान को बिजली सही समय में मिलनी चाहिए। जी, अब पहले 10 घंटे करिए, अब 10 घंटे मिल रही बिजली, ठीक मिल रही है, कोई बात नहीं बिजली की तो, लेकिन जो है उसका बिल भी किसानों को माफ हो जाना चाहिए। जी, अच्छा जी जी, और जो है क्या नाम, गन्ने का उठान सही हो जाना चाहिए, उसके लिए जो है अमरीश भाई जो संघर्ष कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, मतलब पर मंदिर तक चले जाएंगे। ठीक है जी, ठीक, और यात्रा में पूर्ण तरह से इनका सहयोग करा जाएगा। फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक एवं जिला शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो देवी कटारिया, सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। नगर विधायक मनीष असीजा ने अपने भाषण में विधवाओं की पेंशन 1000 होने का ऐलान किया, साथ ही दिव्यांगों को 280 ट्राईसाइकिल भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री चंद्र विजय सिंह, सीडीओ नेहा जैन आदि सभी शहर के पार्षद भी मौजूद रहे। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, और कहां किया गया? पीटी जैन इंटर कॉलेज के फील्ड पे किया गया। करीब करीब 1500 से ऊपर उपकरण वितरित किए गए। इसके मूल में ये बताना चाहता हूँ, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के मुखिया माननीय रतनलाल कटारिया जी की कृपा से और उनके नेतृत्व से यह शिविर लगा। मैं एक चींटी के रूप में यहाँ पर काम कर रहा था और वहाँ माननीय मंत्री जी ने पूरा संरक्षण दिया। एक बड़े शिविर का आयोजन हुआ जिसको मेगा शिविर कहा जाता है। मेगा शिविर की जो पहली शर्त है उसे कहते हैं कि 1000 से ऊपर लाभार्थी होने चाहिए। आज 1059 लाभार्थियों के लिए ये शिविर में वितरण हो रहा है यंत्रों का। और सबसे बड़ी बात है, जो अगर आप देखें तो किसी भी काम की उत्पादकता क्या कहलाई जाती है, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे शिविर के इस आयोजन में क्या हुआ, अगर हमने इनका काम किया तो ये तो इनका अधिकार था। हमें सबसे ज़्यादा लाभ ये मिला है, अगर आप देखें, और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि हम लोगों के इंटरव्यू के बाद अब वो कोना देखना जो नए पंजीकरण के लिए भीड़ है। आज लगभग हम 500 से ऊपर दिव्यांग भाई बहनों के पंजीकरण कर रहे हैं जो नवीन। हमने हमारे जिलाधिकारी महोदय की मदद से, दिव्यांग कल्याण विभाग की मदद से, और मेरे स्वयं का स्टाफ भी, क्योंकि इसमें विधायक का पत्र लगता है आय के रूप में, हम सब लोगों ने यहाँ पर CMO साहब की टीम भी लगी हुई है, यहाँ पर नए पंजीकरण कर रहे हैं। लगभग 400, 500, 600 जो नए पंजीकरण होंगे उनको जिस भी प्रकार का यंत्र चाहिए होगा उसका भी यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रयास रहेगा कि आज शाम तक, अन्यथा कल तक हम उनको भी सामान दें। कुछ सामान ऐसा हो सकता है जो ऑर्डर पे बनता है, जैसे कि कृत्रिम पैर है, कई सारे बनकर आए तो उनके नाप ले लिए जाएंगे, उनको रसीद दे दी जाएगी, उसके लिए फिर शिविर का आयोजन होगा। मेरे शिविर में माननीय सांसद जी, माननीय मेरे साथी विधायकगण, मेरे माननीय पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे पार्षदगण, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभाग के लोग, सबका बहुत सहयोग रहा और
सबसे बढ़कर सम्माननीय मीडिया का सहयोग है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आत्मप्रचार की भावना से नहीं कह रहा, इस प्रकार की जो आज हमारी कवरेज है अधिकतम अगर फैलाएंगे तो अन्य ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन जो किसी जागरूकता या जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और माननीय कटारिया जी के नेतृत्व में दी जा रही है, उसके लिए वो भी लाभान्वित होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। फिरोजाबाद जनपद की जनता का ये कहना है, आखिरकार मंत्री न आने की वजह क्या रही? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना। माननीय मंत्री जी तो इतने सरल हृदय हैं, उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा कि विधायकी चाहे तो कल करा लें। 2 अक्टूबर को पूरे देश में 150वां वर्ष हो रहा है गांधी जयंती का। माननीय मंत्री जी का ही विभाग का जो मंत्रालय है वो इसका पूरा प्रायोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के अपेक्षा पर माननीय मंत्री जी को आज अपना जो समय है वहाँ देना पड़ा, इसलिए नहीं आए। उनका तो मन इतना कर, वो तो मुझसे ये और भी बोले कि अगर आप कहें तो मैं कल आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं साहब, अब आपको दोबारा किसी और बड़े कार्यक्रम में बुलाएंगे। ये बिल्कुल सामान्य, सही और सहज बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू। यूपी के जहांगीराबाद में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें जगह जगह लगी मटकियों को मथुरा से आई टीम ने बप्पा मोरिया की धुन पर मटके फोड़े। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल व गुलाल के रंगों से जोरदार स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली प्रभारी विवेक शर्मा पुलिस बल के साथ तैनात रहे। गणेश जी का उत्सव क्यों मनाया जाता है? गणेश जी का उत्सव जब गणेश जी के आने के पर्व में मनाया जाता है। आज के गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का अवतार हुआ था पृथ्वी पर। क्या मिस होगा यात्रा है? ये 8वीं शोभा यात्रा, 8वीं। इसका विसर्जन कहाँ होगा? निकट अनुच्छेद छोटी काशी में। क्या नाम आपका? केशव। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली मोबाइल बेचने वाले 2 शातिर दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है और 15 बाल्टी नकली मोबाइल बरामद किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, कुछ मोबाइल की बाल्टियां बरामद हुई। क्या है पूरा मामला? ये टाटा एजेंसी के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने थाने पर शिकायत किया था कि मेरे कंपनी के नाम से जो है फर्जी मोबाइल बेचा जा रहा है। जिनकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस टीम उनके एक्सपर्ट के साथ 2 दुकानों पर दिल्ली रोड पे छापा मारा, जहाँ से 15 बाल्टी बड़े जो है बरामद हुए मोबाइल। और टाटा कंपनी के एक्सपर्ट का और उनके अपने जो आदमी हैं उनका कहना है कि ये लोगो गलत है, फर्जी है और मोबाइल भी गलत हो सकता है, जिसकी जाँच की जा रही है। जो भी होगा वो सामने आए आपके।